बीजेपी के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक पत्र पर सियासत शुरू हो गई है। सिंधिया ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर गुना में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आग्रह किया तो कांग्रेस ने कहा सिंधिया को अब गुना याद आ रहा है, जबकि इसके लिए कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह पहले ही प्रयास कर चुके हैं। कोरोना संक्रमण काल में सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 7 मई को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर कहा कि गैल मध्य प्रदेश में कई जगह ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, ऐसे में एक ऑक्सीजन प्लांट गुना जिला चिकित्सालय में लगाने की स्वीकृति प्रदान करे। सिंधिया के पत्र के बाद कांग्रेस ने कहा अब सिंधिया को गुना याद आ गया है, जबकि इसके लिए कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने 23 अप्रैल को गैल के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर इसके लिए पहल कर चुके हैं। जब गुना अशोक नगर के लोगों की सांसें टूट रही थीं, उस वक्त माननीय जयवर्धन सिंह जी ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। यहाँ तक जो होम आइसोलेशन में लोग अपना इलाज करा रहे थे उनको घर घर सिलेंडर पहुँचाने का काम किया। आज सिंधिया जी को याद आया है गुना और रहा सवाल प्लांट का, तो इसके लिए माननीय जयवर्धन सिंह जी गेल के उच्च अधिकारियों के साथ 23 अप्रैल को ही मीटिंग कर चुके हैं, उसमें प्रस्ताव ठहराव भी कर चुके हैं कि यहाँ एक ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाना नितांत आवश्यक है। कांग्रेस ने जब सिंधिया को आड़े हाथों लिया तो बीजेपी भी कहीं चुप रहने वाली नहीं थी। बीजेपी ने कहा कांग्रेस कुछ करती है नहीं, लगातार कांग्रेस गंदी राजनीति करती है और सिर्फ आरोप लगाती रहती है। राज्यसभा सांसद आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा गेल के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मांग पत्र केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को भेजना स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो लगातार पूरे कोविड पीरियड में घटिया और गंदी राजनीति करती रही है। भ्रामक खबरें फैलाना और आरोप प्रत्यारोप का काम करना केवल वही उसका सगल है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।